So good morning guys, a very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Vivanta. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में. तो कैसे हैं भाई सब लोग, एक बार फटाफट से बताएं सब लोग कैसे हैं, फिर शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइज सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. अनुज कुमार, बिहारी पहचान, पूजा, विमल, गुड मॉर्निंग. बाकी सारे बच्चे कहाँ हैं, सभी को जल्दी जल्दी से गाइज शेयर कर दो थोड़ा सा सेशन, सारे लोग पहुँच जाए ताकि क्लास में. ठीक है, और तब तक हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है. हाँ जी पूजा जी, यस वेरी गुड मॉर्निंग. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विश्व एथलेटिक्स दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. यस, ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर करके बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा. सिक्स ऑफ मे को, एट्थ मे को, सेवंथ मे को या फिर फिफ्थ ऑफ मे को मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, कब मनाया जाता है. रॉयल साहू गुड मॉर्निंग, आंसर करो फटाफट से. चलो अनुज कुमार का सेवंथ हो, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी. देखो हर साल मनाते गए सेवंथ ऑफ मे को मनाया जाता है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके लोगों को फिटनेस के बारे में भी, क्योंकि खेलों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है ना, फिटनेस को लेकर के भी होता है. तो भाई इसके जो शुरुआत है वो बेसिकली कब से होती है, 1996 से वो होती है. किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा. एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, तब से हर साल मनाया जाता है, 7th ऑफ मे को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे. ओके क्लियर भाई यहां तक सभी को क्वेश्चन. हाँ जी, सो देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है आपका, जैसे कि कल रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी थी, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के बारे में. अच्छा सॉरी, कल तो इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लास ही नहीं होती, कोई बात नहीं. इनकी एक रचना है गीतांजलि के नाम से, ये याद रखिएगा आप लोग, जिसके लिए 1913 में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्हें दिया गया था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्हें दिया जाता है. रविंद्रनाथ टैगोर को सरदा देवी के लिए जन्मे, रविंद्रनाथ टैगोर को मतलब इनकी जो माता है वो है सरदा देवी, तो इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्वकाप जी के रूप में भी जाना जाता था. किसको, रविंद्रनाथ टैगोर जी को. क्लियर भाई यहाँ तक सभी को क्वेश्चन. हाँ जी एच के उपाध्याय जी खुश रहो, रूबी बादवा जो के. चलो आगे बढ़ते. सो ये रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ शब्द हैं जो कि काफी अच्छे खूबसूरत से शब्द इन्होंने लिखे थे. यदि आप रोते हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया, जब आप रोते तो आपको यही लगता है सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया, तो आपके आंसू सितारों को देखने से रोकेंगे. ठीक है, तो बड़ा गहराई से जो है इनका मतलब है यहाँ पर. ओके ओके, मम्मी के हेलीकॉप्टर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर देख लेते हैं मई मंथ के. फर्स्ट ऑफ मे को इंटरनेशनल वर्कर्स डे हमने सेलिब्रेट किया था, सेकंड ऑफ मे को वर्ल्ड ट्यूना डे सेलिब्रेट किया था, फिर थर्ड मे को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, फोर्थ को वर्ल्ड अस्थमा डे, और फोर्थ को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी सेलिब्रेट किया था, फिफ्थ को हमने वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और सिक्स्थ को इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया था. इज दैट क्लियर. चलिए आगे बढ़ते, सिलेक्शन के बारे में बताएं. सिलेक्शन के बारे में क्या बताएं, लास्ट में पूछना तो बताएगी कुछ अच्छी चीजें आपको. ठीक है, लास्ट में पूछना, अभी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले. ओके हाँ जी, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू. श्रीलंका के फॉर्मर क्रिकेटर नोवान जोयसा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के भ्रष्टाचार रोधी संहिता का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का बैन लगा दिया गया. ये श्रीलंका के क्रिकेटर है भाई, इन्हें यहाँ पर आईसीसी के द्वारा बैन कर दिया गया है. तीन अपराध इनके ऊपर है, तीन अपराधों में ये जो है शामिल पाए गए हैं यहाँ पर. तो इसके चलते आईसीसी ने इनको कुछ साल के लिए बैन कर दिया. कितने साल के लिए किया है, 6 साल के लिए. क्या बात है, बहुत अच्छा अनुज बिहारी, वेरी नाइस. 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है. एक्चुअली ये बेसिकली 2018 में अप्रोक्स जो है ये दोषी पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो है इनको यहाँ पर
क्या दिया जा रहा है, इनको यहाँ पर अभी बैन किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। और देखो आईसीसी की बात करते तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की थी अभी रिसेंटली जनवरी से, तो जनवरी फरवरी का तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मार्च का याद रखना। मार्च में किसे चुना है, भुवनेश्वर कुमार को चुना है। भुवनेश्वर कुमार को मेंस कैटेगरी में ये भारतीय है, और वुमेन्स कैटेगरी में जो है ये किसे चुना है, लिजेली ली को चुना गया है, ये साउथ अफ्रीका से है। कहां से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। यस हाँ, बिहारी पहचान बिल्कुल। फटाफट से अभी सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दो गाइस, है ना, जल्दी सेशन को क्या कर दो, फटाफट से शेयर कर दो। चलिए आगे बढ़ते गाइस। देखो आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना आप सभी को पता, 1909 में इसकी स्थापना होती है, दुबई में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को। और यहाँ पर जो है इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, ग्रेग बार्कले। चेयरमैन कौन है इसके, ग्रेग बार्कले, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सीईओ है वो कौन है भाई, मनु साहनी इसके सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। आईसीसी ने डेब्यू परफॉर्मेंस जो एज होती है उसको फिक्स किया था, 15 वर्ष ही होनी चाहिए डेब्यू की जो एज है। तो ये चीज यहाँ पहले डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके चलिए, ओके अच्छा, बिहारी पहचान कहते हैं कि मैम मोदी जी बोल रही हैं मित्रों मास्क मुंह से हटाकर आंख पर लगाओ, कोई समस्या ही नहीं दिखेगी। तो बिहारी पहचान तुमने कहा क्यों नहीं कि मोदी जी हम भावनाओं वाले हैं, हमें हर चीज की फीलिंग्स, हम फील करते हैं हर चीज को, हम भावनाओं वाले, हमें भावनाएं ज्यादा आती है ना, तो समस्याएं दिखती नहीं है, हमें फील होती है समस्याएं। तो आंखों में पट्टी बांध दोगे उससे नहीं होगा, समस्याएं दूर नहीं होंगी उससे, ठीक है। चले कैसी कैसी बातें तुम लोग करते हो यार यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीसी के बारे में, हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, यहाँ पर भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है भाई, ये आपको बताना है। और पानी पीते रख लो ज्यादा से ज्यादा पानी, ठीक है, पूरा दिन पानी पीते रख लो, लेकिन ठंडा पानी नहीं, थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, एटलीस्ट नॉर्मल होना चाहिए पर ठंडा नहीं, ठीक है। यस ओके, सो आंसर जो आ रहा है यहां पर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर गाइस। यहां पर देखो आर एम सुंदरम जो है ये कौन है भाई, रमन मीनाक्षी सुंदरम, ये जो है रमन मीनाक्षी सुंदरम है जिनको यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है, चावल अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर बनाया। अगर आपसे पूछा जाए चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो है कहाँ पर भाई, राइस रिसर्च सेंटर, जो राइस रिसर्च सेंटर है ये कहाँ पर है, उड़ीसा के कटक में मिलेगा आपको राइस रिसर्च सेंटर। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, देखो अगर इंडिया की बात करते हैं तो ये होता है वेस्ट बंगाल में जो कि कितना होता है, 15 मिलियन मीट्रिक टन होता है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा चाइना के अंदर होता है, वो भी 193 मिलियन मीट्रिक टन, ओके, जो कि बहुत ज्यादा है, जी बिल्कुल सही। फिर भी ये लोग चमगादड़ वगैरह ही बस खाते रहते हैं भूल भूल कर, छी जी बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है। अगर पूरे विश्व की बात करते हैं कि विश्व में जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो है 35% सिर्फ और सिर्फ चाइना में किया जाता है चावल का प्रोडक्शन, ओके। कौन सी मिट्टी में उगता है, किस प्रकार की मिट्टी में चावल का प्रोडक्शन होता है, काली मिट्टी होती है, किस प्रकार की मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है जिसमें चावल का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही आपका आंसर गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सॉरी अमिताभ चौधरी बाकी जो ऑप्शन है ने रीअपॉइंट किया था, एमडी सीईओ बना थे कहाँ पर, एक्सिस बैंक में एमडी सीईओ बना थे। टी रविशंकर की बात करेंगे तो हमारा जो आरबीआई बैंक है उसमें ये फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर बनाए गए थे, ठीक है, बीपी कनुंगो की जगह भी बने थे। और टीवी सोमनाथन ये न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। चले क्वेश्चन नंबर फोर बताएंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है, ये आपको बताना है। हाँ जी, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की है। ओके, ऑप्शन नंबर डी, जी बिल्कुल सही, चेकमेट कोविड के नाम से। किस नाम से? चेकमेट कोविड के नाम से एक पहल है जो कि यहाँ पर शुरू की गई है। इसके अंदर क्या है, तो इस पहल में ये गाइस कि कोविड-19 को लेकर के जो लाइक जो हमारे जो खिलाड़ी है चेस फेडरेशन के, चेस के जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। इसके तहत सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेडिकल हेल्प भी दी जाएगी, मतलब उनको पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है कोई भी खिलाड़ी तो उसको यहाँ पर मेडिकल हेल्प दी जाएगी। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करते हैं तो भाई इसके जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो संजय कपूर को बनाया गया था, ठीक है। और चेस से रिलेटेड हमारे ग्रैंड मास्टर जो फर्स्ट थे वो तो आप सभी को पता है भाई, विश्वनाथन आनंद थे, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे जो कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले भी ये प्रथम थे। 1961 में दिया था इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, कब दिया था? 1961 में दिया था। चलो 66 से जो ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम है जी आकाश, और 67 जो बने थे मेंढका उनका नाम है। 68 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन कल्याण, ये तो मुझे आपसे पूछना था, चलिए कोई बात, अर्जुन कल्याण होगा, ठीक है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ये है चेकमेट कोविड, ठीक है, चेकमेट कोविड चेस के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। ओके, हाँ जी, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, अलायन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाँ जी, अलायन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड द अलायन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड? हाँ जी, तो यहाँ पर जो बच्चे आंसर करें, गीता मित्तल उनका आंसर बिल्कुल सही है भाई, गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर की फॉर्मर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस ये रह चुकी हैं, है ना, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी हैं गीता मित्तल, और अभी जो है इन्हीं को यह अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत, मतलब इस अवार्ड की जो स्थापना है ना वो 2016 में की जाती है भाई, लेकिन पहली बार किसी महिला को दिया जा रहा है 2021 में, पहली बार गीता मित्तल बनी है यहाँ पर पहली भारतीय महिला इस अवार्ड को पाने वाली, लेकिन इन्हें अकेली को नहीं दिया जा रहा, ज्वाइंट रूप से दिया जा रहा है ये अवार्ड जो है इन्हें ज्वाइंट रूप से दिया जा रहा है। तो इनके साथ में किसको दिया जा रहा है? मैक्सिको की है, अरे पेन कहाँ, मिस्टर इंडिया हो गया, यस, इनके साथ में मार्गरेटा लुना रामोस को।
कामोस को दिया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ भाई यहाँ तक सभी को? यस। चलो, एट प्रेजेंट में तो आप सभी को पता है ना, एट प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? भाई पंकज माथुर। कौन है? पंकज माथुर, राइट। हाँ जी, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। चलो, ये है कौन है गाइस? ये गीता मित्तल है। एट प्रेजेंट में गीता मित्तल की बात करें तो भी एट प्रेजेंट में जो ये जस्टिस जो है गीता मित्तल, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा स्थापित एक मनोरंजन चैनल के लिए एक यहाँ पर है ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल है जिसकी ये अध्यक्ष है और यहाँ पर भी यह पद संभालने वाली पहली महिला बनी है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है भाई, तो याद रखना ये जो अवार्ड है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत होती है, स्थापना होती है 2016 में, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के बारे में जिसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1991 में होती है, वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर, वेनेसा रोज इसकी प्रेसिडेंट है और शावना विल्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। वो कौन है भाई? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे कि पिंक ऑप्शन है, ये सिंगर हैं जिन्हें 2021 का बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, किया जाएगा। मरिया रेसा जो है इन्हें भी नॉमिनेट किया हुआ है, ये यूनेस्को गुलमर्गो कैनो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है आपका पुरस्कार के लिए 2021 के लिए इन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एंड गाइस प्लीज सेशन को लाइक जरूर करना, मैं जितना वाचिंग चल रहा है एटलीस्ट उतने स्टूडेंट सारे सेशन को क्या करेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एम के स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, उनकी पार्टी का नाम क्या है? एम के स्टालिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज पार्टी? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज पार्टी? क्या लगता है भाई सही आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? डीएमके, बिल्कुल सही है। देखो तमिलनाडु में आप सभी को पता है अभी इलेक्शन हुए हैं और यहाँ पर जो है सीएम बन गए हैं, कौन बन गए हैं? एम के स्टालिन जो है ये तमिलनाडु का नया सीएम बनाया गया है। इनके जो पार्टी उसका नाम है द्रविड़ा मुनेट्रा कजगम पार्टी है। ठीक है, डीएमके पार्टी से बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा और यहाँ पर पहले से जो सीएम थे भाई जिनका नाम था एडापड़ी के पलानीस्वामी, तो भाई यहाँ पर इनकी अगर हम बात करते हैं ये इस्तीफा दे चुके हैं अभी रिसेंटली चुनाव होने के बाद, जब इन्हें पता चला एम के स्टालिन यहाँ पर सीएम बन चुके हैं, इससे पहले ही ये खुद यहाँ से इस्तीफा ले चुके थे। के पलानी स्वामी का नाम याद रखेंगे। जब किसी भी राज्य के अंदर सीएम की नियुक्ति होती है तो किसके द्वारा की जाती है? चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं मुझे, सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और ये किस आर्टिकल के तहत आता है? जरा देखिए कितने बच्चों को पता है। ओके, आंसर बताओ नलायको। देखो किसी भी राज्य में जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वो गवर्नर के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? गवर्नर के द्वारा होती है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 155 है जी। बिहारी एक पहचान, बिल्कुल पहचान बनाओगे तुम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनुज कुमार, यस वेरी नाइस। चलिए हाँ जी, सो ये बन गए गाइस कौन? तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं डीएमके पार्टी से। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करेंगे भाई यहाँ पर हम, तो कुछ चीजें जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। देखेगा देखो तमिलनाडु के अंदर मिलेगा देश का पहला परमाणु संयंत्र जिसका नाम है भाई कल्पक्कम परमाणु संयंत्र। ठीक है, एक कुडन कुलम्बी है यहीं पर, मीनाक्षी मंदिर आपको यहीं पर मिलेगा। तमिलनाडु में ओल्डेस्ट डैम भी है, यहाँ आपका यहीं पर स्थित है ओल्डेस्ट डैम।
जिसे किस नाम से जाना जाता है, कल्लई डैम है, कावेरी नदी पे है। ठीक है, समझ में। अभी चेन्नई इसकी कैपिटल है, यहाँ पर मिलेगा लेदर रिसर्च सेंटर, वो जो है इरोड की हल्दी भी, यही हल्दी रिसर्च सेंटर भी आपको यहीं पर मिलेगा। और यहाँ पर कुछ जीआई टैग्स देते, जैसे कि इरोड की हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, और आपका कंडागी साड़ियाँ हैं, ठीक है, डिंडीगुल के ताले हैं। और यहाँ पर रिसेंटली एक लेटेस्ट जो प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है, वो कौन सा है भाई, मट्टी केला है, मट्टी केला है। राज्यसभा की 18 सीटें हैं यहाँ पर, और 39 है लोकसभा की सीटें। ये शेयर करता अपनी बाउंड्री आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिच रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ हैज बीन एस्टिमेटेड बाय फिच रेटिंग्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। सो क्या लगता है अभी सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आपका? ओके ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बच्चों, आंसर सी कर रहे हैं। 9.5% फिच रेटिंग्स की बात करते हैं। फिच रेटिंग्स जो कि न्यूयॉर्क की एक रेटिंग एजेंसी है ना, जिसके स्थापना 1993 में होती है, न्यूयॉर्क में ही मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको। तो इसने ये अंदाजा लगाया है, ये अनुमान लगाया है कि भाई भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.5% तक रह सकती है। कुछ और रेटिंग एजेंसीज भी हैं जिनके द्वारा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है यहाँ पर भारत की जीडीपी को लेकर, बिकॉज विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी थी भारत की, लेकिन इस महामारी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित देशों में है उनमें भारत भी एक है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की तो एकदम कहते ना कि यार धज्जियां उड़ा रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग, व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग? अरे कुछ नहीं होता, एक ऑटो में दो की सीट है तो तीन तीन चार चार फंसते जाते हैं वहां पर। ऑटो वाला भी मान है, बैठो 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 बैठो, हाँ सब खा लिए बैठो बैठो, ऐसे घुसाते हैं बिल्कुल। तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम की तो चीज ही नहीं है भाई यहाँ पर। वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद उसे रुका नहीं जाता है, मतलब वो कहते हैं ना कि अल्कोहल नहीं लेना होता है, तो वहां पर भी कुछ फॉलो नहीं किया जा रहा है चीजों को, तो वो वैक्सीन भी काफी हद तक फिर असर नहीं कर पाती है। और दूसरी वैक्सीन के बीच में गैप होना चाहिए अच्छे से, तभी वो ठीक से आपका वर्क करती है, नहीं तो वो कहते हैं कि 55% तक ही वर्क करती है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें जो हमारे देश में ठीक प्रकार से लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज का सीधा असर किस पे पड़ रहा है, जीडीपी पे पड़ रहा है, किस पे, जीडीपी पे पड़ रहा है। ठीक है, बाकी देखो भाई यूके की है ब्रोकरेज फॉर्म, इसने कहा है कि 11% से घटाकर अनुमान बताया 10% रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 11% तक रहेगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 10.2% बताया है, एसबीआई ने 10.4% बताया है, इंडियाज रेटिंग एजेंसी ने बताया 10.1% तक रह सकता है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करेंगे तो उसने भी 11% तक बताया है। ठीक है, हाँ जी, फिच रेटिंग्स, अच्छा 1913 है, सॉरी, फिच रेटिंग्स की स्थापना 1913 में होती है, न्यूयॉर्क में मिलेगा हेडक्वार्टर, यान लियानल इसके प्रेसिडेंट है और पॉल टेलर है जो कि इसके सीईओ हो जाएंगे। ठीक है भाई, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है कि क्या नाम था। हाँ जी, आंसर बताओ फटाफट से। अजीत सिंह, अनुज कुमार का आंसर है, चलिए ठीक है, बाकी लोग बिल्कुल सही है। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर अजीत सिंह, उनका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी नाइस अजीत सिंह। तो ये जो आरएलडीएन की राष्ट्रीय लोक दल के ये क्या थे गाइस, फाउंडर थे, और इनका निधन हो चुका है, जो कि पुत्र थे, किसके थे, बेटे थे ये,
जो हमारे फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर रहे थे ना, चौधरी चरण सिंह, यस चौधरी चरण सिंह के ये क्या रह चुके गाइस, ये यहाँ पर इनके पुत्र थे, सॉरी रह चुके नहीं, ये इनके पुत्र थे और अब हाल ही में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये थे भाई अजीत सिंह, ठीक है। कुछ और भी महान हस्तियां थी जो हमें छोड़कर चली गई हैं, एक बार उनका नाम भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो जैसे कि वी कल्याण, महात्मा गांधी के ये फॉर्मर जो ये क्या थे गाइस, प्राइवेट सचिव हुआ करते थे, जो कि 1943 से 48 तक रहे थे। फिर उसके बाद जो इनकी हत्या कर दी गई थी, जगमोहन मल्होत्रा, जम्मू कश्मीर के फॉर्मर राज्यपाल, ये दो बार राज्यपाल रह चुके हैं जगमोहन मल्होत्रा। मंजूर एहतिशाम की बात करेंगे, पद्मश्री से सम्मानित एक साहित्यकार थे। दादूदान गाधवी गुजराती भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और राजन मिश्र हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत के दिग्गज थे। इन सभी का निधन कोरोना की वजह से हुआ है, कोविड की वजह से इन सभी का निधन हुआ। अब हमारे बीच में ये नहीं रहे। हाँ जी, सोली सोराबजी ये भारत के फॉर्मर अटॉर्नी जनरल रह चुके। जगदीश खट्टर मारुति सुजुकी के फॉर्मर एमडी रह चुके, मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि केवी आनंद तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे, ठीक है। चंद्रो तोमर शूटर दादी, जिनकी फिल्म देखी होगी नहीं, के ऊपर तो फिल्म आई थी आपकी, क्या नाम है, सांड की आंख, चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, तो उनमें से जो चंद्रो तोमर है इनका निधन हो चुका है। और पारू देवी दास असम की पहली महिला आईएएस ऑफिसर थी। पंडित देबू चौधरी सितार वादक थे, पंडित देबू चौधरी, जिनका भी कोविड की वजह से निधन हुआ। तो ये सारे गाइस कोविड की वजह से जो है ये क्या हो गया, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, इस बार कोविड की वजह से बहुत सारी महान हस्तियां हैं जो भी छोड़कर चली गई, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सब लोग संभल कर रहो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। The PepsiCo Foundation has partnered with whom to set up the COVID Care Center? Seeds के साथ समझौता किया है, DRDO के साथ, NASCOM या Serum Institute of India के साथ। तो क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? Seeds, ओके, सभी का आंसर यहाँ पर Seeds आ रहा है, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। Seeds की बात करेंगे तो ये क्या होता है, Sustainable Environment and Ecological Development Society। सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी है जिसके साथ मिलकर पेप्सिको फाउंडेशन ने कोविड केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया। अब इन सेंटर में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कोविड के लिए स्थापित किया है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, लोगों को फैसिलिटी दी जाएगी, मेडिकल हेल्प दी जाएगी उनको वहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अच्छी मेडिकल सर्विसेज दी जाएंगी ताकि जल्दी लोग रिकवर होके अपने घर जा सके। तो ये सारी सुविधा इन सेंटर में स्थापित की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये सेंटर कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो नोट करो यहाँ पर, महाराष्ट्र हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वेस्ट बंगाल है और पंजाब है, इन राज्यों में ये सेंटर है जो कि स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, सो शांति से पढ़ लो नलायक को तुम लोग, ठीक है, इधर की चैटिंग मत करो, थोड़ा सा शांति से बैठ के पढ़ लो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पेप्सिको के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बताओ फटाफट से कौन है, चलो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो कौन है, जिसके स्थापना 1965 में होते, न्यूयॉर्क में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर और रेमोन लुगार्टा है जो इसके सीईओ हो जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, किस राज्य में सोरोपोड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां मिले, इन विच स्टेट वर द 100 मिलियन ईयर ओल्ड बोन्स ऑफ द सोरोपोड्स डायनासोर फाउंड। हाँ जी बिल्कुल, शिफाली वर्मा, अनुज कुमार, यस वेरी नाइस, पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शिफाली वर्मा है, कौन है, शिफाली वर्मा, बहुत अच्छे।
बिल्कुल भाई, जो बच्चे आंसर करें इसका मेघालय उनका आंसर बिल्कुल सही है, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सोरोपोड्स डायनासोर है, ये क्या एक डायनासोर है, तो इसकी हड्डियां पाई गई है पुराने 100 मिलियन साल पुरानी इसकी हड्डियां पाई गई हैं। तो भाई बहुत सारे जीवों के फॉसिल्स, किसी के फॉसिल्स पाए जा रहे हैं, तो किसी की नई प्रजातियां पाई जा रही हैं यहाँ पर, तो वह दिन भी दूर नहीं जब डायनासोर की प्रजाति आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, ये इसकी हड्डियां गाइस यहाँ पर पाई गई डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी। देखो कुछ और जीवाश्म यहाँ पर खोजे गए थे 50 लाख साल पुराने हाथी के जीवाश्म, ये फॉसिल खोजे गए थे। कहाँ पर खोजे गए थे भाई? तो ये जो है आपका बेसिकली जो शिवालिक जो जंगल है सहारनपुर के शिवालिक जंगलों में खोजे गए थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है मेघालय के अंदर। और यहाँ पर देखो गाइस एक और चीज याद रखना, एक फिश की प्रजाति भी पाई गई थी, मछली की प्रजाति भी पाई गई थी, जो कि कहाँ पर पाई जाती, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसका नाम क्या था? इसका नाम था शिजोथोरस। ठीक है, शिजोथोरस। और एक मकड़ी की प्रजाति भी पाई गई है, मकड़ी मकड़ी, ये कहां पर, ये केरला के अंदर पाई गई, कहां पर, केरला के अंदर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है गोरकी बख्शी। अच्छा मैंने अपने पीछे लिखा, कोई बात नहीं यहां लिख देते हैं गोरकी बख्शी नाम है। ठीक है ना, क्लियर है ना सभी को? और बाकी देखो चींटी की प्रजाति आप सभी को पता है, चींटी की प्रजाति पाई गई थी उकेरिया जोशी के नाम से केरला में पाई थी, और एक उकेरिया देके मारा के नाम से तमिलनाडु की मदुरई में पाई जाती है। ठीक है, मेघालय की बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा नोकरेक नेशनल पार्क आपको, और मिलेगा यहाँ पर आपको बालपक्रम नेशनल पार्क। ठीक है भाई, हाँ जी। और मेघालय के अंदर जो मौसिनराम चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपको ये मेघालय के अंदर ही मिलेगा आपको। और कॉनराड संगमा यहाँ पर सीएम है और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। ठीक है, ठीक है, शिलोंग इसकी कैपिटल है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी? चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे सारे लोग। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताओ।
सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, चलिए। हाँ जी, सो क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पर, बंगाल 2021 इन इलेक्शन डायरी पुस्तक के लेखक आपको बता रहा था कि कौन है ना। और यहाँ पर तो तुम लोगों की वार्तालाप जो है ना वो ही खत्म नहीं हो रही है नलायको। हाँ, आंसर पे ध्यान दो पालीवाल जी, बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ जी, तो यहाँ पर देखो गाइस, जो आंसर दैट इज दीप हाल्डर इज द करेक्ट आंसर, दीप हाल्डर। ये देखो बंगाल की जो राजनीति है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, किस प्रकार की वहाँ की पॉलिटिक्स है, इन सब चीजों के बारे में इस बुक के अंदर लिखा है, जो कि दीप हाल्डर की बुक है। किसकी बुक है ये? दीप हाल्डर की बुक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। झुम्पा लहिरी की बुक आती है वेयर अबाउट्स के नाम से, किस नाम से? वेयर अबाउट्स के नाम से झुम्पा लहिरी की बुक आती है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अमिताभ घोष की बुक आती है लिविंग माउंटेन, जेके रोलिंग की द क्रिसमस पिग के नाम से आती है, इनकी एक दायिका बुक के नाम से भी बुक आई थी, और जो हैरी पॉटर की सीरीज है वह सब भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है गाइस, ठीक है ना। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, स्वस्थ आहार सेवा योजना किस राज्य ने शुरू किया? विच स्टेट हैज लॉन्च द हेल्दी डाइट सर्विस स्कीम? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर दिल्ली ने? किसने शुरू की है? ओके, अनुज कुमार तुम भी पढ़ लो थोड़ा सा। ओके, महाराष्ट्र, ठीक है। सी आंसर, सभी का आंसर सी आ रहा है यहाँ पर भाई, महाराष्ट्र। क्या बात है, तुम लोग तो बड़े होशियार हो गए हो, बहुत अच्छा। अस्वस्थ आहार सेवा योजना है गाइस, जिसको शुरू किया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, शुरू किया जाता है इस योजना को। और इसके अंदर क्या था, देखो आप सभी को पता है केसेस जो कोविड की बहुत ज्यादा बढ़ रही है, काफी सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड है यहाँ पर, तो जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड है उनको खाना देने के लिए अगर फैमिली वाले आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है कि वो भी अगर उनके संपर्क में आते तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक बेड उनका भी लगाना पड़ेगा, तो फिर उनके लिए खाना कौन लेकर आएगा, है ना। तो मतलब सिचुएशन यहाँ पर इस प्रकार की बन गई कि ये चैन जो है ना वो बढ़ती चली जाएगी, चैन तो बढ़ती चली जाएगी, फैमिली वाले खाना देने के लिए आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर उनको भी कोई और खाना देने के लिए आएगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी वजह से चैन को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत जो खाना है फ्री ऑफ कॉस्ट वो दिया जाएगा, मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है, खाना हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हां जी, सीएम कौन है यहाँ पर भाई? उद्धव ठाकरे है। सीएम कौन है महाराष्ट्र की? उद्धव ठाकरे, ठीक है। चलिए, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी आपके यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे। ओके, हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 अस्पतालों में खाने की सुविधा नहीं है, शहर के 110 अस्पतालों में सुविधा नहीं है, जो कि काफी बड़ी समस्या है यहाँ पर, और इसी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में खाना देने के लिए यह योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय कंपनी ने 55,500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्म की सूची में प्रवेश किया है? Which Indian company has entered the list of 100 most valuable Indian firm with a market cap of ₹55,500 crore? चलिए, बिल्कुल भी जो बच्चे आंसर करे ऑप्शन नंबर ए उनका सही है, सेल होगा, बेल नहीं होगा, ठीक है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है नई दिल्ली के अंदर, और इसके जो महिला चेयरमैन बनाई गई थी ना, चेयरपर्सन इसके कौन बनाई गई थी? सोमा मुंडाल को बनाया गया था ना।
इसकी चेयरपर्सन। तो बेसिकली सेल के साथ सेल जो कंपनी है मूल्यवान भारतीय फर्म की सूची में इसने प्रवेश कर लिया। वैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर टॉप 5 इंडियन कंपनीज कौन सी है, इनमें से तो सेल है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टॉप 5 कंपनीज कौन सी है तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ जी, और सेल जो ओवरऑल की बात करेंगे 78th नंबर पे रही है, ये 78th नंबर पे रही। टॉप 5 कंपनीज देख लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। ये है टॉप 5 कंपनीज, ठीक है, ये आपकी टॉप 5 कंपनीज है। कुछ समय पहले 100 सबसे प्रभावशाली कंपनीज की वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट आती है, जिसमें आपकी भारत की 2 कंपनीज शामिल थी, रिलायंस जियो और लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस। ओके, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14। 11वीं दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ जूरी पुरस्कार जीता है? विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 11th दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। ये जूरी अवार्ड है, वैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड सारे में आपको करा चुके, ये जूरी अवार्ड है जिसमें बेस्ट फिल्म कौन से चुनी है ये बताना आपको, जो जूरीज के द्वारा ही चुनी जाती है। गली बॉय, लक्ष्मी, जंगल क्राय या फिर थप्पड़। ओके, सभी का आंसर जंगल क्राय आ रहा है यहाँ पर, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी होगा गाइस, यहाँ पर आपका सही आंसर जंगल क्राय जो है ये सर्वश्रेष्ठ जूरी फिल्म यहाँ पर चुनी गई है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था और दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की जो घोषणा हुई थी 2021 में, इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी जाती है वो कौन सी थी, तान्हाजी थी, है ना, ये तो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी। अगर बेस्ट एक्टर पूछा जाए तो अक्षय कुमार को चुना था लक्ष्मी मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस की बात करते हैं तो दीपू को चुना था यहाँ पर छपाक मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन बेस्ट एक्टर इन क्रिटिक्स कैटेगरी सुशांत सिंह राजपूत दिल बेचारा मूवी के लिए, एक्ट्रेस की बात करेंगे तो कियारा दीदी हैं लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट जो वेब सीरीज थी वो स्कैम 1992 थी, बेस्ट एल्बम सॉन्ग था वो था कौन सा, पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है यार मेरा तितलिया वर्ग, ना बिल्कुल यही आपका जो है बेस्ट एल्बम सॉन्ग चुना गया, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ओके हाँ जी, जंगल क्राय जो कि बेसिकली यहाँ पर जो है ना 12 यहाँ पर ये स्टूडेंट्स है जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 12 स्टूडेंट्स है, इनकी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ये मूवी, जो काफी अच्छी स्टोरी है, ट्रू स्टोरी बेस्ड ये मूवी है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 12 स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जहाज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, कौन सा, अपाचे 500, अल्फा 400, डे फ्लावर 300 या मे फ्लावर 400, क्या लगता है सही आंसर क्या होगा भाई? अच्छा पनीवाल जी, थैंक यू थैंक यू। यस बिल्कुल सही, जो बच्चे देखो यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल सही है। यस वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छा, मे फ्लावर 400 ऑप्शन नंबर डी। मे फ्लावर 400, अब देखो यहाँ पर ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, मतलब क्या है इसका, मतलब ये मानव रहित है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ये मानव रहित है, इसको कोई मानव नहीं चलाएगा। ओके, और इसका काम क्या होगा, देखो समुद्र के अंदर जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं ना आपके, जो जो यानी कि जो जलीय स्तनधारी होते हैं उनको ट्रैक करना, उनके लोकेशन को ट्रैक करना, एक्वाटिक
मैमल्स यानी कि उनको क्या करना, ट्रैक करना, ठीक है। दूसरा, पानी के अंदर कितना पॉल्यूशन है, यहाँ पर जो मरीन पॉल्यूशन है इसकी क्या करना, इसकी स्टडी करना। प्लास्टिक कितना है वाटर के अंदर, इसको एनालिसिस करना। एक्वाटिक मैमल्स कहाँ पर है, कितना है, उनको ट्रैक करना, उनके लोकेशन को क्या करना, ट्रैक करना। तो ये बेसिकली इसके मुख्य काम है। तो ये क्योंकि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है जिसको तैयार किया है, किस किसने तैयार किया है, तो वो यहाँ पर ये है जहाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया का पहला जहाज जिसे भारत ने, यूएसए ने और स्विट्जरलैंड ने मिलकर के तैयार किया है। ओके, कुछ देश और इनके अलावा भी कुछ और देश भी इसके अंदर शामिल है, तो इन्होंने यहाँ पर मिलकर तैयार किया है। इस जहाज की अगर हम बात करें तो 9 टन जो है इसका वेट है। यहाँ पर ये मानव रहित है, 15 मीटर लंबा ट्रीमर, पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है जो कि एक ट्रांस अटलांटिक यात्रा पर रवाना होने के लिए तैयार है। और यह जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा, पानी प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा, समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा। पेन पे ना गुस्सा आता है, जहाज दिखता नहीं, छोटा सा डोट है, पता नहीं चलता कहाँ चल रहा है, कहीं पर भी चल जाता है। सीरियसली बस जल्दी क्लासेस आपकी बोर्ड पर लगेगी यार, इस बीमारी ने ना दिमाग खराब कर दिया, सीरियसली गुस्सा आने लग गया कभी कभी तो कोविड की वजह से। जब स्टूडियो ओपन होगा तभी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, और स्टूडियो ओपन तब होगा जब ये लॉकडाउन हटेगा, और लॉकडाउन तब हटेगा जब लोग सुधरेंगे। ये सारी समस्या की जड़ ना लोग है, सारे के सारे आम जनता ही है, इसमें ज्यादा दोषी सरकार नहीं है, सरकार से ज्यादा दोषी हम लोग है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं यार। शादियां कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं लोग, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे बीमार कोरोना तो जैसे कुछ है ही नहीं यार, है ना। वायरस ने जैसे को खुजली है बस कि यार कुछ नहीं, थोड़ा सा खुजा लेंगे हो जाएगा ठीक। बीमारी बेटा बहुत बड़ी बीमारी है ना, इतनी जानलेवा बीमारी है। आपको पता है जब कोरोना आया था यहाँ पर तो वो बहुत नॉर्मल था, उस वक्त डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स को पता नहीं था, लेकिन वो काफी नॉर्मल था। अभी वाला जो ना जो स्ट्रेन आया है, न्यू स्ट्रेन जो कोरोना का न्यू स्ट्रेन है ना, वो जानलेवा, ये सीधा अटैक करता है फेफड़ों पर, सीधा फेफड़ों पे अटैक करता है। ऑक्सीजन नहीं ले पाते हम अपने अंदर में, वेंटिलेटर समझते हो क्या होता है, वेंटिलेटर पर क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फेफड़े होते हैं, अब उनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ती है। तो मतलब इतनी बड़ी समस्या सीधा ये ऑक्सीजन की कमी को कर देता है हमारे शरीर के अंदर, जो न्यू स्ट्रेन आया है। इसलिए भाई जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, वैक्सीन लगवा लो, क्योंकि वैक्सीन ज्यादा असर तो नहीं करे, लेकिन एक फायदा है वैक्सीन लगवाने से कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हो ना, उसके बाद अगर आपको कोविड हो जाता है तो वो खतरा नहीं है ज्यादा, मतलब उसकी वजह से आप मरोगे तो नहीं, सरवाइव कर जाओगे, वो नॉर्मल कोरोना होगा जो ठीक हो जाएगा आपका, है ना। नॉर्मल आप घर में ही रह के दवाइयां लोगे उसी से ठीक हो जाएगा, वो ऐसा कोविड है। क्योंकि ये वैक्सीन क्या कर रही है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बना रही है। देखो दोनों वैक्सीन का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तब समझाऊंगी आपको दोनों वैक्सीन किस प्रकार से कार्य कर रही है, लेकिन दोनों का जो पर्पज है वो सेम है। बस एक चीज का ध्यान रखना, दोनों वैक्सीन के बीच में आप कम से कम जो है ना, यहाँ पर कम से कम यार 50-60 डेज का गैप तो जरूर रखना, यानी कि कम से कम 2 महीने का गैप रखना। अगर आप जल्दी वैक्सीन लगवा रहे, मतलब 30-40 दिन में आपने दूसरी डोज ले ली, तो वो कम से कम वो 55% ही असर करेगी, फिर वो वैक्सीन आप ज्यादा असर नहीं करेगी फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान, कोविशील्ड कोवैक्सीन जो भी लगवाओ, दोनों अच्छी है, वैसे तो दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही लगवा सकते हो, दोनों सेम ही हैं, बट सुनने में आ रहा है कि कोवैक्सीन ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू कोविशील्ड, बट दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग समय के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ खास नहीं है, आप कोई भी लगवा सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, हाँ बहुत अच्छी बात है मैम। डर लगता है, किससे डर लगता है, कोविड से डर लगता है, डरो भाई डरो। देखो कहावतें बदल गई है जब से कोविड आया है, पहले कहावतें होती थी जो डर गया वो मर गया, अब कहावत ये है जो डर गया वो बच गया। पहले कहावत होती थी कि भैया अगर कुछ कर गुजरना है, जिंदगी में कुछ बनना है तो घर से निकलो और मेहनत करो,
अब अगर कुछ करना है ना जिंदगी में तो घर में पड़े रहो भैया, बाहर मत निकलो, ठीक है ना। तो कहावतें जो ना वो इस प्रकार से सारी बदल दी गई है। हाँ, वेट एंड वॉच, बस वेट एंड वॉच करो, वेट करो और वॉच करो टीवी पर कि कितने केसेस आ रहे हैं, कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है इस दुनिया में। हाँ जी, सो गाइस आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाजत। और ये वाली जो क्लास आपकी मिलेगी अब आपको कल सुबह होगी, अब आपकी ये क्लास, ठीक है, कल सुबह 9:15 होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और चैनल को सेशन को लाइक जरूर कर दो, आज तो वो लाइक्स नहीं किए बिल्कुल भी, एटलीस्ट जितने वॉचिंग चल रहे हैं सारे बच्चे सेशन को लाइक करो, ठीक है। ओके, चलिए गाइस, सो बाय।